लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी छोटी बड़ी पार्टियां करना शुरू कर दी हैं। हमारे पीछे देखिए कि यहां पे तेलंगाना साई का बैनर लगा हुआ है और इसको पूरे 21 साल हो गए हैं। तेलंगाना राज्य को बनाने के लिए मांग यही वो पार्टी थी कि ये मांग की और तेलंगाना राज्य बना। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगातार बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना साई का जो रोल है एकदम अहम होने वाला है। जिस तरीके से ममता में भी दमखम भरा है, उसी तरीके से तेलंगाना साई ने भी बनारस में विभिन्न जगहों पे इस तरीके के बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। अब भाई 21वां उनका स्थापना दिवस है। टीआरएस पार्टी की स्थापना बीएचयू के सिंहद्वार पर तो हुई नहीं थी, तो ये नाटक पाखंड क्यों कर रहे हैं? बीएचयू के सिंहद्वार पर तो संपूर्ण क्रांति का नारा लगा था। बीएचयू के सिंह द्वार पर लोहिया का सप्त क्रांति का नारा लगा था। बीएचयू के सिंह द्वार पर पंडित मदन मोहन मालवीय का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा लगा था। तो बीएचयू के सिंह द्वार पर इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष का नारा लगा था। टीआरएस तो अभी एक छोटी पार्टी है, उसका तो राष्ट्रीय विस्तार भी नहीं है। बनारस में विस्तार करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। लोकतंत्र है, कोई कहीं भी विस्तार कर सकता है। पहले तो टीआरएस को अपने प्रदेश को बचाना चाहिए, क्योंकि जिस आधार पर वहाँ आ रहे हैं वो आधार तो वहीं उनका गड़बड़ हो रहा है। वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों पर लाठी चल रही है तेलंगाना में, और बनारस हनुमान चालीसा का गढ़ है। यहाँ तो हनुमान ही जी हनुमान जी विश्वास है। तो अगर इस आधार पर टीआरएस यहाँ आ करके मोदी जी को चुनौती देना चाहते हैं तो काशी के लोग उसके लिए तैयार हैं। मैं ये मानता हूँ कि टीआरएस इस आधार पर आ रहा है कि बनारस में तेलंगाना समाज के या तेलंगाना राज्य के बहुत से लोग बनारस में रहते हैं, एक तरह से एक मोहल्ला ही है। तो उस आधार पर वो आ रहे हैं, जो हाशिए पर निकले हुए स्थानीय राज नेता हैं उससे जुड़ करके उसको हवा देने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा तो बनारस को मैं देख रहा हूँ, बनारस को जीता हूँ, बनारस को पढ़ता हूँ, बनारस को गुनता हूँ, अब बनारस की राजनीति की नब समझता हूँ। 2022 के चुनाव में अनेक लोग मोदी जी को चुनौती देने उनके संसदीय क्षेत्र में आए, 8 की 8 सीट दोबारा उनकी पार्टी जीत करके इतिहास बना, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई बहस की बात नहीं। लेकिन अगर आप कोई मुगालते में है कि आ करके वो टीआरएस को बनारस के मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ देगा तो गाड़े, उसमें कोई हम संविधान कहता है कोई भी लड़ सकता है। लेकिन बनारस को समझना पड़ेगा, टीआरएस बनारस को कितना समझती है, बनारस के रहन सहन को कितना समझती है, बनारस के आन बान शान को कितना समझती है, बनारस के भाषा को कितना समझती है। प्रचार तो भाषा में होगा, भावनाओं में, बनारस की भावनाओं कितना समझती है। बिना बनारस को समझे अगर कोई पार्टी उड़न कटोला से हो करके आता है तो उसका जो हश्र होगा वो जनता तय करेगी। यहाँ केजरीवाल भी आए थे, उनका हश्र हुआ, दोबारा लौट के नहीं आए। यहाँ रावण भी आए थे मोदी को चुनौती देने, उनका गोरखपुर में जो हश्र हुआ उससे खराब बनारस में हश्र हुआ। यहाँ अनेक लोग मोदी को चुनौती देने आते हैं। मोदी बनारस की आन है, बनारस की बान है, बनारस की शान है, और काशी माँ गंगा के बेटे हैं, सीधी सीधी बात, और काशी के बेटे हैं। उनको चुनौती देने का साहस जो लोग कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं, काशी की जनता उसका सीधा जवाब देगी। पड़ेगा क्या प्रभाव पड़ेगा आप ही बताइए। काशी का बेटा एक तो लड़ेगा, एक दो आयातित बेटा लड़ेगा, दोनों में काशी किसको चुनेगी? काशी अगर माँ है तो अपने बेटे को चुनेगी कि आयातित बेटे को चुनेगी? काशी तो गुजरात से आए थे 2014 में, काशी ने उनको अपनाया और उन्होंने कहा था कि मैं गंगा माँ का, माँ गंगा ने मुझे बुलाया, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। जो माँ गंगा का बेटा होकर के यहाँ से अपना काम कर रहा है उसको चुनौती कौन देगा? ये बकवास बात है। टीआरएस पोस्टर लगा दे, कितने जन समर्थन है, कहाँ संगठन है उनका? यहाँ तो ममता बनर्जी भी हैं, यहाँ तो वामपंथी भी हैं, यहाँ तो शरद पवार के लोग भी हैं, उनकी पार्टी के लोग भी हैं, यहाँ बसपा है, सभा क्या नहीं है, यहाँ क्या हश्र है उनका? काशी की जनता राजनीतिक दृष्टि से बड़ी समृद्ध है, वो कमलापति त्रिपाठी को अपना बेटा मान सकती है, लेकिन तेलंगाना से आयातित लोगों को बेटा ने, मेरा तो निवेदन है तेलंगाना के मुख्यमंत्री से, अगर काशी में नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है तो छोटे मोटे पिद्दी खिलौनों को न बल दे, स्वयं आवें और मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करें। काशी की जनता उनका स्वागत करेगी, जनता निर्णय कर देगी कि कौन असली काशी का बेटा है और नकली काशी का बेटा है। आपको बता दें कि ये जो पोस्टर लगाए गए हैं बनारस के कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए हैं, जो
लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं तो इस तरीके के बड़े बड़े पोस्टर आपको बनारस के विभिन्न जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 2024 में किसकी सत्ता आती है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।